CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम। कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम मदारी आलेख मोहिनी राव का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो लो दोस्तों, आज तुमसे मिलने आ रहे हैं मदारी भैया। दोस्तों ये मदारी भैया बहुत मजेदार हैं। ये मदारी भैया तुम्हें कहानी सुनाएंगे, गीत सुनवाएंगे। लेकिन दोस्तों मदारी भैया को बुलाने के लिए तुम्हें जोर से ताली बजानी पड़ेगी। तो भाई जरा जोर से ताली बजाओ और बुलाओ मदारी भैया को। बच्चों के खेल, सच्चों के खेल, खेल खेल खेल, सच्चे बच्चों के खेल। लालू के भालू के, सिकंदर के बंदर के, शेर के बकरी के, खेल देखो खेल। राजा के रानी के, नानू की नानी के, काने की कानी के, खेल देखो खेल। ये कैसे खेल है मदारी भैया? ना तो तुम्हारे पास बंदर है, ना भालू, ना शेर, ना बकरी, ना राजा, ना बाजा। ये सारे खेल दिखाओगे कैसे? यूं ही गप मार रहे हो, हमें बहका रहे हो। गप नहीं बिटिया, सच है, सच मुझ का सच। पर तुम्हारे पास गुब्बारों के सिवा कुछ है ही नहीं। तुम तो गुब्बारे वाले हो, गुब्बारे वाले। तुम्हें तो ऐसी आवाज लगानी चाहिए, गुब्बारे लो गुब्बारे, गुब्बारे लो गुब्बारे, गुब्बारे लो गुब्बारे। इसमें हंसने की क्या बात है? ठीक ही तो कहती हूँ। बिटिया, जिनको तुम गुब्बारे समझ रही हो वो गुब्बारे नहीं हैं। ये गुब्बारे ही तो हैं। लाओ अभी एक को फोड़ कर दिखाती हूँ। ना 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 ना, ऐसा ना करना। इनमें से लालू का भालू, सिकंदर का बंदर, राजा रानी और ना जाने क्या क्या निकलेंगे। और कहीं शेर निकला तो हो गई छुट्टी। मैं तो बच्चों का दोस्त हूँ, दोस्त। उनके लिए तरह तरह की कहानियाँ और गीत और ना जाने क्या क्या लिए फिरता हूँ। क्यों बच्चों, तुम भी बनोगे मेरे दोस्त? अच्छा, तो फिर एक मिनट के लिए आंखें बंद करो। अच्छा, तो लो आंखें बंद कर ली। अरे भाई, सब आंखें बंद करो। हैं? अच्छा, अब आंखें खोलो और उस पेड़ की ओर देखो। अरे ये तो बंदरों की आवाज है, लेकिन पेड़ पर तो एक भी बंदर नहीं है। अरे सचमुच आवाजें तो इन्हीं गुब्बारों में से आ रही हैं। ये
ये बंदर बड़े शैतान हैं। जानती हो इन्होंने उस बेचारे टोपी वाले को किस तरह परेशान किया था? टोपी वाले को? कौन सा टोपी वाला? क्या वो भी है इन गुब्बारों में? नहीं नहीं, वो चला गया। अब इस रास्ते कभी नहीं आएगा। भाई टोपी वाला हर रोज टोपी बेचने के लिए गांव में फेरी लगाता। पहले वो सिर पर रखता अपनी पुरानी काली टोपी, उस पर एक के ऊपर एक नई टोपियां रखता। काली टोपी पर रखता था लाल टोपी, लाल टोपी पर रखता था पीली टोपी, और पीली टोपी पर रखता था हरी टोपी, हरी टोपी पर रखता था भूरी टोपी, और भूरी टोपी पर रखता था नीली टोपी। और फिर सड़क सड़क, गली गली घूम घूम कर आवाज लगाता था, टोपियां लो टोपियां, नई नई टोपियां, रंग रंग की टोपियां, टोपियां लो टोपियां, टोपियां लो टोपियां, रंग रंग की टोपियां। एक दिन की बात, टोपी वाला गांव में फेरी लगा रहा था। धूप बहुत तेज थी उस दिन, समझी बेटा? घूमते घूमते वो थक गया, सो सुस्ताने के लिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सारी टोपियां पहने पहने बैठा रहा? नहीं, वो लेटना चाहता था। उसने सारी टोपियां उतार कर रख दी, सिर्फ अपनी पुरानी काली टोपी पहने रखी। थका तो था ही, तुरंत ही उसको नींद आ गई। कोई टोपी चुरा ले गया क्या? अरे यही तो हुआ, यही तो हुआ। जब कुछ देर बाद टोपी वाले की नींद टूटी तो उसने देखा कि टोपियां नदारद। चुरा ले गया ना कोई, मैं तो पहले ही समझ गई थी। बेचारा टोपी वाला, उसने इधर देखा उधर देखा, दाई देखा बाई देखा, लेकिन टोपियों का कहीं पता न चला। बेचारा। अचानक पेड़ के ऊपर कुछ आवाज सुनाई दी। टोपी वाले ने ऊपर देखा, अरे ये क्या, पेड़ पर कई बंदर थे, हर एक बंदर के हाथ में एक टोपी थी। तो वे बंदर ही चोर थे? हाँ। अब टोपी वाला बहुत परेशान, अपनी टोपियां वापस ले तो कैसे? इतने में टोपी वाले के सिर पर टोपी देखकर बंदरों ने भी अपने अपने सिर पर टोपी रख ली और लगे ऐसा करने, इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से इस डाल पर कूदने लगे। बंदर बड़े मजेदार होते हैं, लेकिन अब टोपी वाला क्या करेगा? बंदर उसको नोचेंगे तो नहीं?
अरे यही तो मुश्किल थी। टोपी वाले ने उनको थप्पड़ दिखाया, बंदरों ने भी थप्पड़ दिखा दिया। टोपी वाले ने घूंसा दिखाया तो बंदरों ने भी घूंसा दिखा दिया। टोपी वाले ने डांट कर कहा, लाओ मेरी टोपियां नहीं तो दुम काट लूंगा। टोपी वाले ने दुम काटने का इशारा किया तो बंदरों ने भी वैसा ही किया। बंदर नकलची होते हैं ना? हाँ, वो तो होते ही हैं नकलची। टोपी वाला जो करता गया वही वो करते गए। अब तो टोपी वाले को रोना आ गया, उसका हाथ सिर पर गया, बंदरों ने भी सिर पर हाथ रखा। बस टोपी वाले ने एक झटके से अपनी पुरानी काली टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। बस फिर क्या था, बंदरों ने भी तुरंत अपनी अपनी टोपियां उतार कर नीचे फेंक दी। और फिर सड़क सड़क गली गली घूम घूम कर आवाज लगाने लगा, टोपियां लो टोपियां, रंग रंग की टोपियां, टोपियां लो टोपियां, रंग रंग की टोपियां। ये तो बड़ी मजेदार कहानी थी। कहानी तो सुना दी, मगर गीत का क्या हुआ? क्या हुआ? आई क्या मतलब? अभी लो। तितली कितनी प्यारी है, रंगों भरी प्यारी है, इसे मसलना हाथों से ये कोई अच्छी बात नहीं, इसे मसलना हाथों से ये कोई अच्छी बात नहीं। हाँ ये कोई अच्छी बात नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं, हाँ ये कोई अच्छी बात नहीं, ओ ये कोई अच्छी बात नहीं। मजेदार था। अरे तुम तो जाने की तैयारी करने लगे मदारी भैया। हाँ अब तो जाना ही पड़ेगा बिटिया। फिर आऊंगा, आगे और बच्चे भी तो रहा देख रहे होंगे। मदारी भैया फिर आना। फिर आऊंगा। खेल देखो। तो लो दोस्तों, मदारी भैया तो चले गए। और अब सब कहो जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।